ఎక్స్‌ప్రెస్ కల్లం ఏ బాల్ అసలు మరి बात ना करने नहीं होगी किसी से मेरी नमस्ते की वजह से। पच्चीस सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस हम कैथल में मनाने जा रहे हैं और अब की बार इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश के लोग चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में शामिल होंगे। जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह है, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा के बाद जिलों की मीटिंग में आए, हमें फिर से इस बात पे विचार करना होगा कि जो ग्राउंड हमने तय किया कहीं वो छोटा ना पड़ जाए, लोगों को दिक्कत ना आए। इसके लिए मैंने फिर कल ड्यूटी लगाई है चौधरी नफे सिंह का, ठीक कि आप जाओ और जाकर के फिर से तय करो। देखो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पहले से कई गुना ज्यादा लोग आएंगे। नेता तो हमने जितने नेताओं को निमंत्रण दिया उनमें से 80% लोगों की तरफ से हमें कंसेंट आ गई कि हम लोग आ रहे हैं। हमारे पास नीतीश कुमार जी आएंगे, लालू प्रसाद यादव जी आएंगे, सीताराम येचुरी आएंगे, सतपाल मलिक जी आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, सुखबीर बादल आएंगे, उसके अलावा तेजस्वी यादव आएंगे और जयंत चौधरी आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएगा। उसके साथ साथ 13 तारीख को मैं शरद पवार साहब से मिलूंगा, मुझे उम्मीद है वो भी आएंगे। उद्धव ठाकरे आएंगे, ममता बनर्जी स्वयं नहीं आएंगी लेकिन उनकी पार्टी के जो राज्यसभा के लीडर हैं वो आएंगे। सारा इंडिया तो आ रहा है, नाम ही बदल दिया, वो नाम रख दिया सरकार ने। सरकार कुछ नहीं बदल सकती, इंडिया का नाम बदलने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा और हम अपने देश का संविधान किसी को नहीं बदलने देंगे। सर क्या मानते हैं वर्तमान में हरियाणा सरकार को कितने सफल मानते हैं, कितने क्या मानते कामयाब है हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार का दिवालिया पिट गया, इनके सारे मंत्री झूठ बोलते हैं, ये झूठ और लूट का गठबंधन है, इन्होंने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग बदलाव करेंगे, आपको निमंत्रण देता हूँ 25 तारीख को आप भी आना और देखना कि सारा हरियाणा यही कहेगा कि अब इनको सत्ता से बाहर कर दिया। कहाँ हुआ शोर शराबा, किसने किया? मैंने ही उठाई, कांग्रेस पार्टी जिसकी जिम्मेवारी थी वो तो मुख्यमंत्री को नतमस्तक थी, उसने तो जो कांग्रेस के 3 विधायक मुसलमान थे उन पे भी ये पाबंदी लगा रखी थी कि आप इशू के ऊपर कुछ नहीं बोलोगे। जब मैंने उनसे पूछा तीनों विधायकों से कि तुम इस मामले में चुप क्यों, तुम्हें अपने इलाके की बात क्यों नहीं रखनी चाहिए, तुम्हें सरकार से क्यों नहीं पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री ने कहा था कि बड़ा षड्यंत्र है, तो मुख्यमंत्री से पूछो कि क्या षड्यंत्र है। वो मुझे कहने लगे कि हमें तो हुड्डा साहब ने रोक रखा है बोलने से। आफ्ताब को नहीं बुलाया जा रहा, आपको पता ही नहीं है, मोमिन खान को बुलाया, ये जानकारी रखो फिर बात करते हैं। सात में चांद पे भेजने की बात करते हैं, विकास मांगते हैं, तब बाद में फोन पे माफी मांग लेते हैं, सर क्या कुछ कहेंगे? संतुलन बिगड़ गया, लोग ठीक कर देंगे आपकी बात। सर कांग्रेस में तो गुटबाजी और को लेकर आपने कहा 302 लगेंगे, किस प्रकार की गुटबाजी को 302 में बदलेंगे? अगर कांग्रेस के नेताओं को सबको एक मंच पे बैठा दिया किसी ने गलती से तो जरूर मुकदमा दर्ज होगा।